नमस्ते, मैं गुनगुन जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर ज्ञानचंद जी जैन, श्री दिगंबर जैन सन्मति सागर उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिन टोंकी में छात्रा हूँ और सभी वरिष्ठ साहित्यकार और श्रोतागण को मेरा नमस्कार और सरस्वती माता को वंदन। आज जनसारोकार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जी सक्सेना तथा श्री देवेंद्र जी जोशी का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रकट करने का एक मौका दिया और मैं इस मंच पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार एवं उपखंड अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी ने एक की मुहिम पाती अपनों को से मैं काफ़ी प्रभावित होकर स्कूली विद्यार्थियों को पाती लेखन अभियान से जागृत किया है। पत्र लिखना आसान कार्य नहीं है, लेकिन आपने छात्र छात्राओं को अपने माता पिता व गुरुजनों के प्रति सम्मानीय भाव प्रकट करने का ये एक अवसर प्रदान किया है। पाती मुहिम की अनूठी मुहिम से जुड़ना मेरे लिए गौरव की बात है। पाती लेखन विधान को आपने पुनर्जीवित किया है। प्रशासनिक कार्य करने के साथ ही आपने स्कूली विद्यार्थियों को भी पाती लेखन के लिए जागृत किया है, जो कि एक सराहनीय प्रयास रहा है। आपने टोडारायसिन के तत्वाधान में कुछ सृजनात्मक तथा कुछ रचनात्मक कार्य के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को केंद्र बनाकर साहित्य का भी निर्माण किया है और आपने ही टोडारायसिन के साहित्य मंच का गठन किया है तथा इसी प्रकार इससे विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि भी बढ़ी है और मैं भी आप ही की वजह से साहित्य में अपना विशेष योगदान दे पा रही हूँ तथा साहित्य के प्रति मेरी रुचि भी इसी से ही बढ़ी है। और मैं आज आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे फेसबुक पर लाइव जोड़ने का अवसर प्रदान किया है। अब आज मैं आपके सामने माँ की पाती बेटी के नाम की पुस्तक से कुछ दो पत्रों की समीक्षा आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करने की कोशिश करें। माँ की पाती बेटी के नाम की पुस्तक से संकलित पत्र क्रमांक एक, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रभा कुमारी द्वारा रचित है, इस एक पत्र की आज मैं आपके सामने समीक्षा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पत्र में उन्होंने बताया है कि किस तरह अपनी बेटी को एक माँ आने वाले भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन कर रही है। जब उसके पुत्र की शादी हो रही थी तो वह ये कहना चाहती थी कि कभी भी हमें अपनी पुत्री तथा पुत्रवधु में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि जो शिक्षा, ज्ञान व मार्गदर्शन हमें अपनी बेटी को दिया है वही शिक्षा सम्मान और उस शिक्षा व सम्मान अपनी पुत्रवधु को भी देना होगा और पुत्रवधु और माँ दोनों ही कर्तव्य परायण भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए तथा एक दूसरे के दिल में मान सम्मान रखना चाहिए तथा कभी भी पुत्री तथा पुत्रवधु में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक माँ अपनी बेटी को ये इस पत्र के माध्यम से एक माँ अपनी बेटी को ये बता रही है कि सिर्फ संतान को जन्म देना तथा उसका पालन पोषण करना ही या उसका विवाह करना कर देना ही जिम्मेदारी नहीं है। मनुष्य की जिम्मेदारी तो तब समाप्त होती है जब वह स्वयं को सबसे कठिन काम जो कि वह मानता है उससे वह निवृत्त कर ले, तभी मनुष्य की जिम्मेदारी समाप्त होती है। जीवन चलने की गति समाज में निर्धारित मानी जाती है जो कि संतुलित है। अगर ये असंतुलित हो जाए तो भी हम उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कितनी सकारात्मकता तथा नकारात्मकता लेते हैं, अर्थात उसका सम्मान करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि लेखिका ने कभी भी अपनी बहू और बेटी में कभी भी फर्क नहीं किया था। लेखिका की बेटी ने लेखिका और उसकी पुत्रवधु के बीच के संबंध को
कभी अचरज से या कभी से कभी खुशी से देखते हुए ही सिखा रहा है। इसी प्रकार हमें भी अपनी पुत्री तथा पुत्रवधू में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनके रिश्ते को कभी अचरज से और कभी खुशी से ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ही लेखिका ने अपनी पुत्रवधू को उनकी खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि उसने अपनी पुत्रवधुओं के सकारात्मक तथा नकारात्मक विचारों पर तालमेल बिठा कर रखा है। इसी प्रकार हमें भी अपने विचारों पर सकारात्मक या नकारात्मक तालमेल बिठाकर ही रखना चाहिए, जिससे जीवन आगे की ओर प्रगतिशील हो सके और कभी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होवे। और अब मैं मानव स्वभाव ही एक ऐसा स्वभाव है जो अच्छी बात को स्वीकार करने में अधिक समय लगता है, वरन बुरी बात को वह जल्दी ही स्वीकार कर लेता है। स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो जल्दी बात को स्वीकार करने में अधिक समय लगता है और बुरी बात को हम जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं। लेखिका कहना चाहती है कि जो बातें तुमने अपनी बेटी को बताई वही बातें तुम अपनी पुत्रवधू को भी समझाना, क्योंकि पता नहीं वह किस परिवेश में रही तथा उसके परिवर्ष के समय उनके माता पिता की सोच शायद उससे भिन्न भी रह सकती रही होगी। वह अपने माता पिता की सोच के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ रह सकती है। यह तो संभव नहीं है कि हर क्षेत्र में निपुण कोई ना कोई तो किसी क्षेत्र में कम भी हो सकता है। इसलिए वो लेखिका कहना चाहती है कि वह अपनी बेटी पुत्रवधू को भी अपनी बेटी की तरह ही समझे तथा उसे भी अपने माहौल में ढालने की कोशिश करे और उससे अपने जीवन में तालमेल बिठाने के साथ ही आगे बढ़े। आजकल काम के क्षेत्र में स्त्री व पुरुष का भेद मिटता जा रहा है। जितना भेद सम्मान और आत्मसम्मान में होता है उतना ही भेद निर्भर तथा आत्मनिर्भर में भी होता है। इसलिए आज के ज़माने में पति और पत्नी को मिलजुल कर रहना चाहिए। देखा जाए तो आज के ज़माने में स्त्री तथा पुरुष का भेद भी मिटता जा रहा है। जो काम पुरुष कर रहे हैं उन्हीं को काम को आज स्त्री भी बड़े जोश से बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ती हुई कर रही है। तो ये पत्र भी यही बताना चाहता है कि स्त्री पुरुष का एक अपना अलग ही व्यक्तित्व होता है। समाज में अपनी एक अलग अलग ही व्यक्तित्व होता है। समाज में एक अपनी एक अलग पहचान रखना ही एक अलग खुशी की बात है। स्त्री भी समाज में अपना विशेष योगदान दे रही है। पुरुषों के मुताबिक आज स्त्रियाँ समाज में आगे बढ़ रही है। इसलिए स्त्री व पुरुष दोनों बराबर के हकदार हैं। यदि हम किस और अब मैं मनुष्य की बुराई के बारे में बताना चाहूँगी। यदि हम किसी मनुष्य की बुराई या कमियों को ही देखेंगे तो हम सिर्फ उसके दिल से उतरते जाएंगे। हमें किसी मनुष्य की मानसिक अवस्था को भी समझना होगा। किसी मनुष्य की बुराई नहीं करनी होगी, उसकी मानसिक अवस्था को भी समझना होगा, उसकी अच्छाइयों को भी जानना होगा। समाज में संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों के मन और दिल मिलना चाहिए और भावनात्मक जुड़ाव की भी बहुत आवश्यकता है। समाज में अगर हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए तो उससे हमें अच्छे से बोलना चाहिए, उनके मन को जानना चाहिए तथा उन पर भावनात्मक जुड़ाव रखना चाहिए। इसी से समाज में प्रगति की ओर बढ़ते जाते हैं तथा किसी के मन में अपनी जगह भी बना पाते हैं। और आज के समाज में आर्थिक रूप से स्वावलंबी या आत्मनिर्भर महिलाओं को आज़ादी का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो खुद की आवश्यकता पूर्ति कर सके, जबकि स्वयं भी किसी आर्थिक रूप से मदद देने में सक्षम हो, स्वतंत्र हो। आज के समय में स्त्रियां अपनी आज़ादी का अर्थ इतना नहीं समझती कि वह स्वतंत्र स्वयं के लिए अपनी आवश्यकता पूरी कर रही है, जबकि आज की महिला ये भी समझती है कि वह आर्थिक रूप से भी मदद कर सकती है। वह आज़ाद और वह खुद स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बन रही है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए, ताकि जिससे वो शादी करे उसे अपना जीवन साथी समझे, मालिक नहीं। अपने बेटों को भी घरेलू काम सिखाए जिससे वह अपने जीवन साथी को अपना साथी समझे, खाना बनाने वाला नहीं। इसी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के समय में स्त्री
आज के समय में बेटी तथा पुत्रवधू में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही शिक्षा, वही मार्गदर्शन हमें जो अपनी बेटी को देते हैं, वही मार्गदर्शन हमें हमारी पुत्रवधू को भी देना चाहिए, क्योंकि वह जिस परिवेश में पैदा हुई है या जिस परिवेश से वो ढली है, वातावरण में रही है, उसको समझने में भी हमें टाइम लगेगा। तो हमें उन्हें धीरे धीरे समझना चाहिए तथा इससे ही हमारी समाज की प्रगति होती रहेगी तथा जिससे झगड़े भी नहीं होंगे और हमारा समाज आज की महिलाओं को स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर भी बनाना चाहता है। धन्यवाद। ये धन्यवाद डॉक्टर प्रभा कुमारी इस पत्र के माध्यम से यही बताना चाहती है। धन्यवाद। अब मैं एक और पत्र की भी समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैंने माँ की पाती बेटी के नाम से पुस्तक से लिया गया एक पत्र है, जिसका क्रमांक 63 है, जिसकी लेखक वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भारती द्वारा ये पत्र रचित है। इस पत्र की भी आज मैं आपके सामने समीक्षा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर इसमें भी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करने की प्रयास करें। अब इस पाती में एक माँ तथा बेटी के रिश्ते के बारे में बताया गया है। इस पाती में बताया गया है कि किस तरह एक माँ अपनी बेटी को बड़ा करती है, उसकी शादी करती है, उसको संस्कार देती है, उसको शिक्षा तथा मार्गदर्शन ज्ञान उपलब्ध कराती है, जिससे वो अपने आने वाले भविष्य में आत्मनिर्भर के साथ डटकर मुकाबला कर सके तथा हर मुश्किलों का सही समाधान कर सके। अब मैं इस पाती में बताया गया है कि माँ बेटी के रिश्ते के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि माँ बेटी का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ कितना भी कहो, कितना भी सुनो और फिर भी बहुत कुछ अनका और अनसुना रह ही जाता है। इस पाती में बताया गया है कि हर माँ अपने जीवन के उस स्वर्णिम पल को सर्वश्रेष्ठ मानती है जब उसने बेटी को जन्म देकर स्वयं को गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर लिया हो। हर माँ के लिए एक सपना होता है कि वह एक अच्छी संतान को जन्म दे तथा उसका सही संस्कार पूर्ण उसका मार्गदर्शन करे तथा एक माँ अपने पुत्र को जन्म देकर ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल मानती है और जन्म से लेकर बड़ा करने तक उसकी शिक्षा, दीक्षा, उसके विवाह से लेकर उसकी विदाई तक के हर सुख दुख त्याग का अनुभव भी करती है। हर माँ अपनी बेटी के बचपन के साथ अपना बचपन जीती है तथा उसके सपने में ही अपने सपने जीती है। एक माँ ही अपने बचपन में जो कुछ भी घटनाएं नहीं हुई, वही अपने बचपन के जो ही सपने लेकर वह अगर पूरा नहीं कर पाती तो वह एक बेटी के माध्यम से या अपने एक बेटे के माध्यम से वह सपने साकार करने के बारे में सोचती है। इसीलिए ही कहा जाता है कि एक माँ अपने बेटी के बचपन में ही अपना बचपन तथा अपनी बेटी के सपने में ही अपना सपना जीती है। इसलिए माँ की प्रसन्नता शब्दों से तो वर्णित नहीं की जाती है, केवल उसके अनुभव से की जाती है। इसलिए माँ को कभी शब्दों में नहीं, ओनली अनुभवों में ही पहचाना जा सकता है। अब माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहती है कि अपने आप में आत्मविश्वास रखकर अपने निर्णय स्वयं लेना सीखो, स्वयं ताकि कभी पश्चाताप ना करना सके। अपने निर्णय स्वयं आत्मविश्वास रखे तथा आत्मनिर्भर रखे, हमें खुद स्वयं के निर्णय लेना चाहिए ताकि हमें आगे जाकर पछताना ना पड़े। और आत्मविश्वास अपने माता पिता से मिले संस्कारों पर चलते हुए या जीवन में मिलने वाले कड़वे व मीठे अनुभवों से ही प्राप्त होते हैं। हमने अपने माता पिता के संस्कार तथा उनके द्वारा दिया गया आत्मनिर्भर को हमें बनाए रखना चाहिए तथा उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इसी से हम आगे आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अगर हम एक गलती करके ही हम कुछ सीखेंगे तो उस गलती को भी सीखकर हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और आत्मविश्वास होने से ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर सही निर्णय लेने में सहायक बन सकते हैं। आत्मविश्वास डट कर रखना चाहिए ताकि हम आने वाली मुसीबतों का डट कर सामना कर सकें। और
सही पर अडिग रहना और गलत होने पर क्षमा मांगना, ये जीवन की दो महत्वपूर्ण बातें होती है। इन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम आगे की ओर बड़ी आसानी से परिश्रम करते हुए पूरे हार्डवर्क के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। माँ कहती है कि जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें कठिन फैसले लेने पड़ेंगे, तब तुम्हें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। माँ अपनी बेटी को एक शिक्षा देते हुए और मार्गदर्शन करते हुए ये कहना चाहती है कि जीवन में ऐसे अनेक फैसले आएंगे, एक अनेक कठिन समय आएगा जब हमें अपने फैसले स्वयं को चुनना पड़ेगा। तब हमें हमारे मन में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा ताकि हम अपने फैसले सही ले सके, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। तथा माँ अपनी बेटी को और बताना चाहती है कि माँ अपनी बेटी को सकारात्मक सोच के बारे में भी बताना चाहती है। अगर तथा सकारात्मक सोच तथा ईमानदारी से जीवन जीने के बारे में बताना चाहती है। अगर हम हमारे जीवन में सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम हमारे जीवन की ओर प्रगति से आगे बढ़ेंगे। हम पहले ही किसी काम को करने से पहले ही अगर नकारात्मक विचार हम हमेशा अपने मन में लाएंगे तो हम आगे जाके वो काम नहीं कर पाएंगे तथा उस काम से हम पीछे हट सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें हमारे मन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे पैशन के साथ हमें हमारा काम करना चाहिए तथा हमारा जीवन भी जीना चाहिए। इसी के साथ हम प्रगति की तरह आगे प्रगतिशील आगे बढ़ सकते हैं। और एक माँ अपने बच्चे को यही सिखाती है कि सकारात्मक सोच बनाए रखो तथा पूरी ईमानदारी के साथ जीवन जियो, और कहती है कि जीवन का एक ही मूल मंत्र है, जो सही लगे वही करो, और अपनी राय स्वयं चुनो और अपने सपने स्वयं बुनो, उस राह पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनों को साथ लेकर चलो। जीवन का एक ही मूल मंत्र रखो कि सही अपनी राह स्वयं चुनो, अपने सपने स्वयं बुनो तथा जो सही लगे वही करो, लेकिन जो अपने सपने स्वयं करो तो उस पर अपनों का साथ तथा अपनों का आशीर्वाद बनाए रखना चाहिए तथा अपनों को साथ लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ सपनों को पूरा करने की यात्रा में आशीर्वाद बनकर चलता है। अगर अपनों का साथ होगा तो हम हमारे सपनों को एक अच्छे से पूरा कर पाएंगे तथा उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे और हमारी सपनों की उड़ान भरते रहेंगे। जीवन में सदा अपने मन का ही नहीं होता, हमें सबके मन को भी समझना होगा, उनका ध्यान रखते हुए चलना होगा। यही समझाकर एक माँ अपनी आत्मसंतुष्टि, सुख और प्रसन्नता अनुभव करती है। जीवन में सदा मन का ही नहीं होता, जीवन सबके मन को हमें समझना चाहिए, सबके सपनों को हमें अपना सपना समझकर ही पूरा करना चाहिए तथा उन्हीं पे चलना चाहिए। ये सारी बातें एक माँ अपनी बेटी को बड़ी समझा रही है तथा जिससे माँ अपनी आत्मसंतुष्टि, सुख तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकती है। और हमें भी इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हमारे माता पिता को भी हम पर गर्व हो कि हम उनके सपनों को पूरा करने जा रहे तथा उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रहेगा। और एक माँ अपनी बेटी को आत्मविश्वास रखना, कठिन परिश्रम से जीवन जीना तथा कठिन परिश्रम को अपना जीवन का अंग बनाना, ईमानदारी के साथ जीवन जीना, धैर्य तथा समझदारी रखना, सकारात्मक सोच रखना और ईमानदारी रखना आदि, ये सभी बातें सिखाकर एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा तथा मार्गदर्शन प्रदान करती है तथा वह बचपन से लेकर बड़े होने तक वह अपनी बेटी को ये सारी बातें एक अच्छे माध्यम से बताना चाहती है। इनमें उसका एक बेटी को सब कुछ बताना चाहती है। ये आदि सारी बातें माँ एक बेटी को बहुत कुछ सिखाती है। तभी तो कहा जाता है ना कि माना कि बहुत से रिश्ते हैं इस दुनिया में, पर माँ बेटी का रिश्ता मुझ में बहुत अजीज है। माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा एक रिश्ता होता है जिससे माँ अपनी बेटी को सब कुछ सिखा देती है। चाहे और भी जने एक बेटी को बहुत कुछ सिखा देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन एक अच्छी परवरिश उनकी माँ से होती है। और एक बेटी भी अपनी माँ की
परछाई बनना चाहती है वही अपने माता पिता के संस्कारों को, शिक्षा को, मार्गदर्शन को अपना आशीर्वाद मानते हुए आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ती रहनी चाहिए है। बस धन्यवाद। यही सारी बातें एक माँ अपनी बेटी को समझाना चाहती है। इन दो पत्रों के माध्यम से इस पत्र में बताया गया है कि किस तरह एक माँ अपनी बेटी को क्या क्या बातें बता रही है, उसी बातों को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए तथा पूरी धैर्य, पूरी ईमानदारी तथा समझदारी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए तथा सकारात्मक सोच भी बननी चाहिए तथा हमें इससे हम हमारे जीवन में आगे की ओर बढ़ते जाते तथा प्रगतिशील कार्य पर करते जाते तथा हमें और एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए ये भी बताना चाहती है कि हमें अपनी किसी बेटी की शादी करना ही जिम्मेदारी समाप्त करना नहीं होती। जिम्मेदारी तो तब समाप्त होती है जब मनुष्य जो सबसे कठिन कार्य लगता है अगर उसको पूरा कर ले तो, अगर वो उससे निवृत्त हो जाए तो एक तो वह अपनी जिम्मेदारी स्वयं पूरी कर लेता है। और अपन जानते हैं मानव स्वभाव ही एक ऐसा स्वभाव होता है जब हम अच्छी बातों को तो हम जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते जबकि हम बुरी बातों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। जिसलिए हमें हमेशा अपने मन की, दिमाग की सबकी सोचनी चाहिए तथा अपने सबको एक साथ लेकर ही चलना चाहिए। हमेशा मन, दिमाग और सबकी सोचनी चाहिए तथा अपने माता पिता के संस्कारों का आगे चलकर भी पालन करना चाहिए ताकि अपने माता पिता सर झुकाकर ना चले तथा सर उठाकर जीना चले तथा हमें इस काबिल बनना होगा कि एक हमें तथा इस काबिल बनना होगा ताकि अपने माता पिता हमें एक माता पिता अपना सर उठाकर जिए कि ये और हमेशा आत्मसम्मान से जीना चाहिए और तभी तो काज। अरे इन दो पत्रों के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी कि किस तरह एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा मार्गदर्शन दे रही है उसी प्रकार हमें भी ये सारी बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए तथा धैर्य व समझदारी से अपना जीवन जीना चाहिए तथा कठिन परिश्रम तो हमें हमारे जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हम हमारे जीवन की तरह आगे प्रगतिशील होकर बढ़ सके तथा सकारात्मक सोच तो हमेशा रखनी चाहिए। कभी भी नकारात्मक शब्द अपने मन में नहीं लाने चाहिए तथा सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, सबके मन की सुननी चाहिए ताकि हम प्रगतिशील कार्य कर सके। और हमें जीवन के एक मूल मंत्र को अच्छे से याद रखना चाहिए कि सुनो सबकी, करो मन की बस, तथा अब सही लगे वही करो सब और अपनी राहें स्वयं चुनो, किसी के भी अपने सपनों को स्वयं बुनो, किसी के भी ना सुनो तथा उस राह पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद तथा संस्कार को हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसलिए अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तथा अपने सपनों की मंजिल पाने के लिए हमेशा सही मार्गदर्शन लेना चाहिए तथा अपने माता पिता की, गुरुजनों की और सबका आशीर्वाद बनाए रखते हुए आगे प्रगतिशील कार्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। बस धन्यवाद। इन दो पत्रों के माध्यम से बस मैं यही बताना चाहूँगी, लेकिन ये पाती लेखन इसकी समीक्षा करना मेरे जीवन में बहुत कुछ मायने रखा है। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार तथा उपखंड अधिकारी डॉक्टर सूर्य सिंह नेगी जी ने हमें साहित्य के बारे में इतना सब कुछ बताया तथा उनके प्रति हमारी रुचि, उन्होंने ही हमारी रुचि साहित्य के प्रति जागृत की। उन्होंने मेरा पत्र लिखने का जो समय है, एक साल पहले मैंने इस साहित्य में अपना अपनी
अपना योगदान दिया था, इस साहित्य में अपने कदम रखे थे। एक साल पहले हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी ने हमारे टोडा राइसिंग में अनेक साहित्य के प्रति कार्यक्रम चलाए, जिसमें सबसे पहले पाती लेखन चलाए, फिर हमारे यहाँ पर अनेक अनेक साहित्यकारों की कहानियों की कहानी दी गई, जिससे हम बच्चों के द्वारा समीक्षा कराई गई थी। उनमें हमें अनेक साहित्यकारों के सामने अपनी कहानी समीक्षा उनकी कहानी समीक्षा को प्रस्तुत करने का एक मौका मिला था। उसी उन्हीं के बीच मुझे भी एक कहानी की समीक्षा करने का मौका मिला था और मैंने उस कहानी की समीक्षा बहुत करी थी। और उन्होंने अनेक कार्यक्रम चलाए, जिसमें से पाती लेखन, माँ की पाती बेटी के नाम तथा बेटी की पाती माँ के नाम, मतदान के ऊपर आदि अनेक पाती चलाई तथा हमारे द्वारा कई कहानियाँ भी लिखी, जिसकी कहानियों की समीक्षा अनेक बड़े साहित्यकार बैठकर हमारी कहानियों की भी समीक्षा करे थे। उन्होंने हमारे टोडा राइसिंग में अनेक साहित्य के कार्यक्रम कराए तथा साहित्य मंच का भी उन्होंने हमारे यहाँ पर गठन किया। उन्होंने प्रशासनिक कार्य के साथ साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को साहित्य के प्रति प्रोत्साहन दिया, जो कि एक सराहनीय प्रयास रहा है। उनके तत्वावधान में हमने अनेक सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्य करे हैं तथा उन्होंने ही हमारे को साहित्य के प्रति अनेक बातें बताई तथा उनका ही बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम साहित्य के प्रति हमारी रुचि बढ़ी है। साहित्य के अनेक कार्यक्रम उन्होंने टोडा राइसिंग में आयोजित करे थे तथा अभी भी वो करते आ रहे हैं। आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने फेसबुक पर लाइव माध्यम से मैं आपके सामने ये माँ की पाती बेटी के नाम पुस्तक में से किन्हीं पत्रों की समीक्षा कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके सामने दो पत्रों की समीक्षा प्रस्तुत कर रही थी। उन्होंने हमारे सामने अनेक कार्य किए, जिससे हम प्रभावित हुए तथा स्कूली विद्यार्थी बहुत जागृत हुए। उनका एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी तथा हमारे जन सरोकार मंच का भी मैं एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से आज मैं इस मंच पर अपने विचार प्रकट करने में समर्थ हुई हूँ। धन्यवाद। और बोलो। सही तो था क्या? अरे आज और तो नहीं तो आज नहीं इसकी वीडियो से मुझे नहीं क्या हुआ तो वीडियो अभी भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी भी अभी भी हमारे को साहित्य के प्रति अनेक कार्यक्रम से हमें प्रेरित कर रहे हैं तथा अनेक कार्यक्रम के द्वारा हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से आज मैं इस मंच पर बैठी हूँ और आपके सामने अपने दो विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने ही हमारे को स्कूल में अनेक कार्यक्रम के बारे में बताया तथा स्कूली विद्यार्थियों को भी पाती लेखन के अभियान से जागृत किया है और पाती अपनों की मुहिम से उन्होंने ये अभियान चलाया गया है तथा पाती मुहिम की अनूठी मुहिम से जुड़ना भी मेरे लिए एक गौरव की बात है। पाती लेखन विधा को हमने पुनर्जीवित किया है। पत्र पहले लिखे जाते थे, आज के ज़माने में पत्र नहीं लिखे जाते, लेकिन डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की वजह से ही हम आज पाती लेखन में अपना विशेष पाती लेखन की अनूठी मुहिम से हम जुड़ पा रहे हैं तथा अपने विचार
पातिलेखन के माध्यम से बता रहे हैं तथा पातिलेखन विधा को हमने पुनर्जीवित किया है और पातिलेखन तथा इन सभी कार्यक्रम से छात्र छात्राओं का अपने माता पिता तथा गुरुजनों के प्रति सम्मानीय भाव भी प्रकट किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।